साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए जो है डी फार्मा बी फार्मा किसी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कम्प्लीट करके, बैचलर इन फार्मेसी कम्प्लीट करके या थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, वो हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करने आते हैं, मेरे हॉस्पिटल में उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, किसी तरह की क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे डी फार्मा बी फार्मा हॉस्पिटल से संबंधित, ट्रेनिंग से या कैरियर से संबंधित, अगर आप ट्वेल्थ हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो किसी तरह की क्वेश्चन है आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, आज हम अपने रूम पे बैठे हैं, रूम जो हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो रूम मिला हुआ है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर है। साथियों, बहुत तरह की फाइल होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, ये देखिए साथियों, इस तरह से जो है फॉर्म्स आए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्मा, जैसे बी फार्मा के फॉर्म्स हैं, इस तरह से ये हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है। सबसे पहले मॉर्निंग में हम आते हैं तो अटेंडेंस करते हैं सभी विद्यार्थियों की, और जो है ड्यूटी जो है मैनेज करते हैं। जैसे किसी को 15 डेज अगर हमने ओपीडी में रखा है तो उसको जैसे इंजेक्शन रूम लगाना है या इमरजेंसी में लगाना है, तो इस तरह से जो है हम उसकी ड्यूटी लगाते हैं। कहने का मतलब है ए डे इन द लाइफ ऑफ फार्मासिस्ट, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है वो हम बताना चाह रहे हैं। साथियों, ये हमारा रूम है हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर, बैक में बहुत सी चेयर है जिसपे आते हैं बच्चे, आते हैं किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं, मैं उनको जो है डिस्कस करता हूँ। अभी एक विद्यार्थी आया था, ट्वेल्थ किया है और वो फार्मेसी करना चाह रहा था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे, डाउट थे, वो क्लियर करने के लिए खुद यहाँ पे आया हुआ था और मैंने उसको क्लियर किया। साथियों, इसी के आगे हमारा जो है इंजेक्शन रूम है और उसके बैक साइड में मेरा रूम है हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर। एक विद्यार्थी ने हमें जो है 2019 में हैप्पी टीचर्स डे की जो है ये फोटो जो है गिफ्ट किया था, उसमें सभी हमारे बॉसेस हैं, हमारे कलीग हैं, और जो विद्यार्थी ने दिया था उसकी अपनी भी फोटो है इसमें। श्री ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हैं, प्रहलाद कनौजिया चीफ फार्मासिस्ट अभी रिटायर हो गए हैं, और मूर्ख चिकित्सा दीक्षा किस अस्पताल के, तो इस तरह से विद्यार्थी आते रहते हैं। साथियों, एक हमारे साथ विद्यार्थी आए हैं आगरा से, हमारा यूट्यूब देख के बी फार्मा स्टूडेंट हैं साथियों, और इन्होंने हमारी वीडियो देखी और उस पर इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, और ये यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं, आज इनका फर्स्ट डे है, और ये आप अपने बारे में बताएंगे कैसा लगा इनको हॉस्पिटल और व्यू अपना बताएंगे। मैं बहुत परेशान था, मुझे ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल रही थी, फिर मुझे सर का यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया गया, मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया, फिर सर ने मुझे अपना हॉस्पिटल में रिकमेंड किया, मैं यहाँ के ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज फर्स्ट डे सर ने पूरा मुझे घुमाया, और इस टाइम मेरी ड्यूटी ओपीडी दवा वितरण में लगी हुई है, और मैं सर का बहुत ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। बहुत से विद्यार्थी हैं साथियों डी फार्मा बी फार्मा जो कि इंजेक्शन रूम में, क्योंकि ड्यूटी के टाइम जब इंजेक्शन लगता है वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि होता क्या है किसी तरह की मतलब कोई बीच में कोई डिस्कस करता है, क्वेश्चन बोलता है, कुछ भी मरीज पूछता रहता है। अभी क्या है कि टाइम हो गया है, पेशेंट नहीं है, यहाँ पे इंजेक्शन रूम लगते हैं, इंजेक्शन रूम में विद्यार्थियों की ड्यूटी है, उसी तरह से ओपीडी में ड्यूटी होती है। साथियों, इसी के बगल में ओपीडी है, मेन ओपीडी है, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आगे बैठते हैं वो लिखते हैं, साथ ही साथ डेंटल हैं और सर्जन बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और पीडियाट्रिशियन, बहुत तरह के डॉक्टर बैठते हैं। साथियों, आगे एक ओपीडी हमारी है चेस्ट ओपीडी, क्योंकि पहले टीबी अस्पताल था तो टीबी के मरीज भी आते हैं हमारे अस्पताल, उसके लिए सेपरेट जो है फैसिलिटी है कि डॉक्टर्स चैम्बर अलग हैं, उसकी ओपीडी अलग है, उसके वार्ड अलग है, और उसकी जो है क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट को देखते हैं, दवा लिखते हैं, उसकी ओपीडी जहाँ पे फार्मासी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथियों, इसी तरह से इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में करते हैं 8 से 2, उसमें जो है इंजेक्शन वीगो लगाना, कोई भी इमरजेंसी केस होता है आता है, तो डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी रहती है गवर्नमेंट की, साथ में विद्यार्थी रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है जैसे एक्सीडेंटल केस है तो कौन सा इंजेक्शन लगाना क्या है, और वो जो है सभी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो पहला ट्रीटमेंट है वो फार्मासिस्ट के द्वारा दिया जाता है, अगर पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होता है उसके बाद जो है नर्सिंग केयर की जो ज़रूरत के लिए छोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है फार्मासिस्ट, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, और दवाई के निर्माण से लेकर दवाई की डोज तक की बताने का काम हमारा है, फार्मासिस्ट का है। और साथियों, क्या होता है कि
वीवो लगाना, आईवी सेट लगाना, सभी कुछ हम सिखाते हैं। SpO2 चेक करना, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, शुगर कितना है, ये सभी कुछ जो है इनिशियली चेक करने के बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाता है तो उसको पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा जाता है। सभी जगह ड्यूटी लगाते हैं साथियों, इस तरह से पैथोलॉजी है जहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन है वहाँ से हमने जो है वहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं। सभी पेशेंट के जो है ब्लड कलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट सीखते हैं और सभी तरह की जो है इमरजेंसी ड्यूटीज भी कराते हैं, जिसमें मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित होती है कि पुलिस FIR होती है, पुलिस लेके आती है, जज के पास उपस्थित होने से पहले जो भी अभियुक्त होता है उससे पहले उसको कहीं चोट तो नहीं, अगर है तो कितने सेंटीमीटर है, क्या है, वो सभी कुछ लिखना होता है। VIP ड्यूटी भी साथियों संपादित कराते हैं, विद्यार्थियों भी ले जाते हैं, अगर किसी VIP के पास साथ में एम्बुलेंस लगती है उसमें वहाँ पे भी सिखाते हैं। जैसे अभी KD स्टेडियम में ड्यूटी थी, हॉकी का मैच चल रहा था, उसके बाद जो है हैंडबॉल का मैच था उसमें भी ड्यूटी लगी। तो इस तरह से साथियों कोशिश हमारी यही रहती है कि विद्यार्थी को विधिवत जो है सिखाया जाए, क्योंकि इस फील्ड में जो है अगर विद्यार्थी को हॉस्पिटल का या दवाई का या इंजेक्शन लगाने का अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर क्वेश्चन करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।